उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भाजपा पर तीखा वार करते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी केवल राजनीति कर रही है, मंदिर निर्माण करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। सरकार में आने से पहले भाजपा आए दिन बोलती थी कि जब भी वो सरकार में आएंगे रामलला का मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन प्रदेश और देश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी राम मंदिर निर्माण नहीं होना उनकी नीति और नीयत पर कई सवाल खड़े करती है। किशोर उपाध्याय से राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की मंशा के बारे में जानना चाहा तो वो जवाब गोलमोल देते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राहुल गांधी पर व्यंग के साथ टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए वरना उन्हीं की नस्ल के जानवरों की रैली निकालकर उनके घर का घेराव किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि गधे को जितना मर्जी नहलाकर क्रीम पाउडर लगा लो वो घोड़ा नहीं बन सकता। इसके साथ ही गैरसैंण राजधानी पर बोलते हुए कहा कि एक राज्य में दो दो राजधानियां नहीं हो सकती, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को गैरसैंण राजधानी को स्थायी घोषित करना चाहिए। राम मंदिर बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, हमने नहीं लिया था, तो ये काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को करना है कि कहां वो राम मंदिर बना रहे, ये हमारा संकल्प नहीं है। और एक जनयोधारी होने के नाते संकल्प की क्या गरिमा होती है किशोर उपाध्याय जानता है, जो संकल्प लेता है उसको पूरा करना है। अब वो कब पूरा करेंगे? अब उन्होंने पहले कहा कि जब हमारी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी तब हम बनाएंगे, अब उस सरकार का भी 1.25 साल बाकी है, तो ये वो बताएं कि कब वहाँ मंदिर बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बनाओ भाई, हम कोई रुक थोड़ी रहे। उनको बड़ी भांति समझता है और उन्होंने उसी हिसाब से टिप्पणी की है, और अगर उन्होंने अपने बयान को वापस नहीं लिया, माफ़ी नहीं मांगी, तो उनके नस्ल के जो जानवर हैं हम जो है उनके जगह 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 जो उन्होंने अपने अपनी अपनी नस्ल को समझते हैं ना, अरे बता रहा हूँ उनमें उस उन्होंने अपनी नस्ल के बारे में जो कहा है, अरे भाई उनको तभी तो पता चल, उनको अरे भाई तो जब गदा नहाएगा तो उनको पता है ना कि उस गधे ने जब अपने ऊपर साबुन और शैम्पू लगाया होगा तो स्थिति क्या रहती है, तो इसलिए वो अपनी नस्ल के बारे में जानते हैं भली भांति, और इसीलिए उस पर उन्होंने इतनी टिप्पणी की है। तो हम उनकी नस्ल के जानवरों को उनके घर में कुदाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस हिसाब से वहाँ सत्र बुलाया है, अब उनके विरोधाभासी बयान आ रहे हैं उनके, और हमारे भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है, वहीं उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में विचार किया जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक बार मकड़ जाल में गैरसैंण के मामले में उत्तराखंड को डाल दिया है। मैं पहले तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किस हैसियत से वहाँ सत्र बुलाया जब वहाँ कुछ है ही नहीं, या प्रदेश के और हिस्सों में भी आप सत्र बुलाने का काम करेंगे? इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि इस राज्य की दो राजधानियाँ हों, और वो गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजियत का प्रतीक है, क्योंकि जब लोगों को जो शहंशाह और जो बादशाह और राजा और होते थे तो उनको गर्मी लगती थी, पहाड़ पर चले जाते थे, और ठंड लगती थी तो नीचे उतर आते थे, तो इसलिए जो है उस कॉन्सेप्ट का मैं विरोध करूंगा दो राजधानियों। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट।